बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम। बट काम कैसे करें, काम धंधा आजकल चौपट हुआ हुआ है सबका, क्या करें। चलो दारू पी लेते हैं। हाय हाय, दारू कैसे पियेंगे यार, हर जगह तो लॉकडाउन है, दारू के ठेके बंद हैं, फिर क्या करें। चलो वैक्सीन लगवा लेते हैं। ना काम है, ना दारू है, ना वैक्सीन है, अब आप ही बताइए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बट आई थिंक मुझे इस चीज का सोल्यूशन मिल गया है। जब कुछ भी नहीं है करने को लेकिन दारू भी नहीं है, तो दारू से सबसे क्लोज चीज क्या हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक बियर। आई थिंक ये एक इंडस्ट्री है जो बहुत ही दूरदर्शिता वाली इंडस्ट्री है, उनको पता था कि ये दिन आने वाला है एक दिन, और उसकी तैयारी उन्होंने करके रखी थी। बहुत सारी नॉन अल्कोहलिक बियर आपको मिल जाएगी जब आप अपने ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, एंड बिकॉज ज़्यादा लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है, सो नॉन अल्कोहलिक बियर इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू द रियल थिंग। और जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दैट आई डू लाइक द कंसेप्ट ऑफ नॉन अल्कोहलिक बियर। आई थिंक उसकी जगह है इंडियन मार्केट में, बहुत सारे यूज केसेस हैं। बट फिर एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी नॉन अल्कोहलिक बियर सबसे अच्छी है, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। तो ये सोचना कि सबसे बेस्ट नॉन अल्कोहलिक बियर कौन सी है, ये थोड़ा मुश्किल डिसीजन होगा आप लोगों के लिए। बट दैट्स व्हाई वी आर हेयर। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारी नॉन अल्कोहलिक बियर टेस्ट करने के बाद कि सबसे बेस्ट कौन सी है। मेरे पास है 6 नॉन अल्कोहलिक बियर। दीज आर द नॉन अल्कोहलिक बियर जो आपको कॉमनली आपके ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएंगी। एक दो शायद और भी होंगी, हो गार्डन है, वो गार्डन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं वो लेकर नहीं आया। बट इनमें से कुछ है जिनके रिव्यूज़ भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जैसे कि बडवाइजर, कूलबर्ग, हाइनेकिन, इन तीनों के रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। देन देयर इज अनदर वन, बारबिकान, विच आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर टू बी ऑनेस्ट, एंड किंगफिशर, रैडलर एंड गिन्सबर्ग। सो वी हैव 6 बियर, इनमें से 4 जो हैं लागर स्टाइल हैं, एंड देर इज़ वन, दे आर 2 विच आर जिंजर फ्लेवर्ड। सो देखने वाली बात होगी कि क्या जब आप नॉन अल्कोहलिक बियर पीते हैं तो आपको एक रेगुलर बियर, लागर के बियर टेस्ट का पसंद आता है या फिर अ फ्लेवर्ड वन। आई थिंक बियर एक ऐसी बेवरेज है जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिफ्रेशमेंट। आपको नशा देने से ज़्यादा आई थिंक फॉर मी जो बियर जिसके लिए मुझे पसंद है वो ये कि जब आप एक ठंडी बियर पीते हैं तो अंदर तक पूरी ठंड हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। आई वांट रिफ्रेशमेंट व्हेन आई हैव माय बियर। सो कौन सी बियर टेस्ट और रिफ्रेशमेंट के मामले में सबसे आगे निकल कर आएगी, वी विल हैव टू सी दैट। और उसी के बेसिस पर हम आज इन 6 बियर को जज करेंगे। So let's start the tasting. All right, so we are ready to start the tasting. यहाँ मैंने 6 beer pour कर लिए हैं glasses के अंदर। You can see जी किन order में मैंने pour करी हैं। Kingfisher को थोड़ा सस्ते glass में pour की, सस्ते glass में नहीं किया यार, मेरे पास 5 ही glass थे। मत बुरा माना करो Kingfisher के जो fans हैं यार, I also love Kingfisher। मैं Kingfisher का मजाक नहीं उड़ाता, थोड़ा माल्या जी का उड़ा लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टेस्टिंग। पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, दिस इज बडवाइजर 0.0। आई हैव रिव्यूड दिस इन द पास्ट। इट इज रिफ्रेशिंग, अ बिट फ्लैट टू बी ऑनेस्ट। कुछ खास मजा नहीं आया मुझे इतना ज्यादा, बट आई वुड नॉट से कि बहुत बुरी बियर है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं अब नेक्स्ट ट्राई करने से पहले। दिस इज बारबिकान। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू अदर बियर, आई डोंट नो वाई। ज़्यादातर जो डार्क कलर आता है वो आता है बिकॉज अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉन अल्कोहलिक, इसमें बिल्कुल भी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि इसमें अगर कलरिंग का यूज़ करा गया है। इट इज़ पॉसिबल कि शायद कलरिंग का यूज़ करा गया होगा इसके अंदर, बट देर इज डेफिनेटली नो अल्कोहल। वेरी वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस बियर, अलॉट मोर क्रिस्प, आई थिंक ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी है।
थोड़ा ड्राई टेस्ट है इसका, इसका मुझे टेस्ट थोड़ा सा मीठा सा लगा, देयर इज स्लाइट स्वीटनेस जो मॉल्टी स्वीटनेस होती है. दिस वन डिड नॉट हैव एनी मॉल्टी स्वीटनेस, काफ़ी अलग टेस्ट है इसका, इट्स वेरी ड्राई. ऑलमोस्ट लाइक अ बिट ऑफ अ स्मोक जो मुझे इसमें से आ रहा है, काफ़ी अलग टेस्ट है इसका, वेरी डिफरेंट एंड इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग एज वेल. बट लेट्स ट्राई दिस वन फर्स्ट. ऑनेस्टली मुझे अच्छी लगी है तो मैं पूरी फिनिश कर सकता हूँ. और दोस्तों आज का वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हेल्दी मिंट्स को. आई थिंक आज की डेट में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इस देश में, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें. और ऑफकोर्स हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, बट कहीं ना कहीं जो हेल्दी न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी को जो चाहिए वो कहीं मिस हो जाते हैं, बिकॉज जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें हमें वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक सम सप्लीमेंट्स, एंड हेल्दी मिंट्स मेक्स वेराइटी ऑफ सप्लीमेंट्स जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं अलग अलग सिनारियों में. फॉर एग्जांपल देयर मल्टी विटामिंस जो कि आपकी जो डेली नीड है सप्लीमेंट्स की उसको पूरा कर सकते हैं. देयर एप्पल साइडर विनेगर विच कैन हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ वेट लॉस, एंड देयर स्लीप विटामिंस विच आई एब्सोल्युटली लव एज दे कैन हेल्प यू गेट अ गुड नाइट स्लीप. दे आर कंप्लीटली नेचुरल, 100% vegan, and you can check them out on their website or on Amazon. और अगर आप उनकी website पर order place करते हैं then you also get a discount of 200 rupees. आपको code use करना है MBS Man Cave जो कि आपको नीचे screen पर भी दिखाई दे रहा है, and you get 200 off. Okay, let's try this one now. एक कुछ खट्टापन है इस बियर के अंदर, आई डोंट नो कि कहां से आ रहा है वो खट्टापन. इट्स रिफ्रेशिंग बट एक अलग सा सिट्रस है इसके अंदर, आई डोंट नो कि कुछ सिट्रस फ्लेवर है ये, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज सिट्रस फ्लेवर. मॉल्ट एप्पल जूस कंसेंट्रेट अलग है इसके अंदर, जिसकी वजह से एक सिट्रस जैसा कुछ आ रहा है, बहुत खट्टापन आ रहा है, एंड यू कैन फील इट, आप फील कर पाएंगे वो. इट्स जस्ट समथिंग विच इज़ वेरी ऑफ पुटिंग, आई डोंट नो कि क्यों डाला गया है. आई डू रिमेम्बर कि मैंने टेस्ट किया था कूलबर्ग का एक टाइम पर, बट आई डिड नॉट फील दैट काइंड ऑफ दैट एप्पल, दैट सिट्रस टेस्ट एट दैट टाइम. बट बहुत ही अलग टेस्ट कर रहा है, इट इज आई वुड नॉट से कि रिफ्रेशिंग नहीं है. और इसका टेस्ट काफी सिमिलर है बर्ड वाइजर से, बट दैट सिट्रस, दैट टैंगीनेस थोड़ा ऑफ पुटिंग सा लगता है, स्पेशली बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट इट, एंड इट जस्ट कम्स स्ट्रेट अवे जैसे ही आप पीते हैं इस पहले घुट में ही. Okay, let's try this one. This is Heineken. Honestly, I do like this one. I think this is very close to a regular beer. I don't know ki mujhe abhi kam sweet still lag rahi hai kyunki maine iske baad piya hai, but I do think that this is a lot more dry, a lot more refreshing, and it's very crisp on the palate, and I personally feel that this is the closest experience you can get of a real beer without alcohol. One thing which I would like to point out, kiska jo froth hai, halanki sabka froth chala gaya, but you can still see ki ek bahut hi patla sa white head hai iske andar, which shows that it has good quality malt. I don't think इसमें कोई adjuncts use करे गए हैं. Yeah, it just is water and malted barley and hops. And it does feel that it's a lot more maltier and a lot more crisp and a lot more refreshing.
आई थिंक आई पर्सनली फील कि अगर आप एक रियल बियर का प्रॉपर सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं देन आई डू फील कि हाइनेकिन इज प्रॉब्ली द क्लोजेस्ट. बट लेट्स ट्राई दिस जिंजर बियर्स एज वेल कि क्या जिंजर बियर पी के आपको वो जो रिफ्रेशिंग फीलिंग है वो आती है कि आपकी जो टेम्पनेस है जो क्रेविंग है एक रियल बियर की क्या ऐसे कम होती है. लेट्स फाइंड आउट. सो दिस इज गिन्स बियर. आई हैव नेवर टेस्टेड गिन्स बियर बट काफ़ी सुना है मैंने इसके बारे में. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जिंजर का अरोमा मुझे यहीं तक आ रहा है. जो बबल्स हैं जो उस बियर के वो मेरे नाक के अंदर जा रहे हैं जिंजर फ्लेवर वाले और उसकी वजह से छींके आ रही है मुझे. बट आई हैव टू से दैट इज क्वाइट रिफ्रेशिंग. इट डज नॉट टेस्ट लाइक अ मॉल्ट बियर. ऑब्वियसली इट्स अ जिंजर बियर एंड आई डोंट थिंक इसमें मॉल्ट का यूज करा गया है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड द इंग्रेडिएंट्स. वाटर, फ्रेश जिंजर जूस, लेमन जूस एंड एप्पल जूस, केन शुगर. ऑलराइट, सो देयर इज नो मॉल्ट यूज्ड इन दिस बियर. ऑनेस्टली दिस मुझे एप्पल जूस का टेस्ट तो नहीं आ रहा इसके अंदर बट आई कैन फील स्लाइटली सिट्रस. बट इट इज रिफ्रेशिंग. बट आपको जैसे मैंने बताया इट विल नॉट, अगर आपको बियर की क्रेविंग हो रही है देन इट्स नॉट गोइंग टू सबसाइड इट. इट इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक नो डाउट बट प्रॉब्ली नॉट समथिंग विच कैन सब्स्टिट्यूट अ बियर. बट आई कैन डेफिनेटली फिनिश दिस हाइनेकिन एंड गिन्सबर्ग. लेट्स ट्राई किंगफिशर एज वेल. माल्या जी वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं माल्य. दिस इज़ अ लॉट मोर क्लियरर अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को. ये काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है, प्रीटी मच क्लाउडी. दिस इज नॉट एज क्लाउडी एज किंगफिशर एंड दिस इज जिंजर एंड लेमन शुगर बॉल बार्ले मॉल्ट. ओके, सो दिस में बार्ले का यूज़ करा गया है, प्रिजर्वेटिव्स एंड मिक्स्ड फ्रूट जूस, हॉप्स. ओके, लेट्स ट्राई इट. दिस इज स्लाइटली वियर्ड क्योंकि इसमें जो जिंजर का टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा सबसाइडेड है. इट्स देयर, इट्स डेफिनेटली देयर बट इसमें जो टेस्ट है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके बाद इसका जो टेस्ट है काफ़ी लाइट लगेगा आपको. लेट मी टेक अ बिग गल्प ऑफ वाटर. ऑनेस्टली आई डू फील कि एक इतनी बुरी बियर नहीं है ये. बट अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर आपको बियर की तलब हो रही है तो क्या ये पीने से बुझ जाएगी. प्रॉब्ली नो बट अगेन इट इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग. जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बेटर है ये. इट डज गिव यू दैट मॉल्टीनेस समवट. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर यू लाइक जिंजर और नॉट. अगर आपको स्ट्रॉन्ग जिंजर का टेस्ट पसंद है जो मुझे है आई विल गो विद दिस वन. बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ एन ओवरऑल अ बेटर बियर आई विल प्रॉब्ली से कि किंगफिशर रैडलर इज़ स्लाइटली बेटर. मुझे इतना विश्वास मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने कि मैं ये जजमेंट दूंगा. ऑलराइट, सो लेट्स गिव माय जजमेंट. आई विल प्रॉब्ली से हाइनेकिन इज नंबर वन फॉर मी. थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ उसके बीच में बट आई प्रॉब्ली फील दैट दिस इज नंबर टू. ऑल दो मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है. दिस इज फॉर 99 रुपीज एंड इट्स एन इम्पोर्टेड नॉन अल्कोहलिक बियर. अरेबिक में लिखा गया पीछे काफ़ी सारा कुछ. एंड वेयर इज इट मेड? आई थिंक ये साउथ अरेबिया में कहीं बनी होगी ये. बट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला फैमिली. या नॉट बैड. उसके बाद शायद मैं रखूँगा
बडवाइजर को एंड अगेन नाउ आई एम वोटिंग इट एज पर माई टेस्ट बट आई पुट गिन्सबर्ग एज फोर्थ, किंगफिशर रैडलर एज फिफ्थ. प्रॉब्ली एक तरह से बोल सकते हैं कि टाई है दोनों के बीच में, जस्ट बिकॉज आई लाइक जिंजर मोर. बट अगर ओवरऑल की बात करूँ देन आई विल प्रॉब्ली चूज किंगफिशर रैडलर एज बेटर. एंड कूलबर्ग इज जस्ट नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट. सो दिस इज माई रेटिंग. बट आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से बेस्ट नॉन एल्कोहलिक बियर कौन सी है. आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए Cheers.